सो आईसीएआई के घर देर है अंधेर नहीं, एंड आप लोग के साथ क्विकली जिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन मैं यहां पे करने वाला हूं। मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है एंड यू वांट अ क्विक आंसर। सो कुछ भी अगर कोई चीज मेरे से रह जा रही है देन इन दैट केस आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो एंड वी विल गेट बैक टू यू। नाउ पेपर वाइज एग्जेम्पशन, तो यहाँ पे देखो मैंने ना जिस्ट बता दिया है कि भाई होने क्या वाला है। देखो एफ आर के सामने एफ आर, SFM के सामने AFM, वो सब तो एग्जाम्ड अपने को पता ही है। लॉ के सामने सेट ए, SCMP के सामने सेट बी, वो मिलने वाला एग्जाम्पशन वो अपने को पता ही है। अगर आपने नवंबर 23 में एग्जाम दिया है देन इन दैट केस आपको सेट सी एंड सेट डी देने की जरूरत नहीं है अगर आपका न्यू सिलेबस में जाता है तो। बट द क्रूशियल पॉइंट, प्लीज विदाउट फेल, अब आप नवंबर 23 में ग्रुप टू एकदम सीरियसली दे देना। अगर आप अभी तक कंफ्यूज थे देन इन दैट केस बॉस ग्रुप टू तो एकदम ढंग से देना ही है बिकॉज इट इज गोइंग टू एग्जाम्प्ट योर पेपर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस केस स्टडी, जिसके बारे में इंस्टीट्यूट को भी अभी तक कुछ नहीं पता बिकॉज दे हैव नॉट पुट इवन अ सिंगल मटीरियल ऑन दैट। क्योंकि अगर आपका इलेक्टिव एग्जाम्प्ट हो जाता है तो देन इन दैट केस देर इज अ वेरी बिग न्यूज फॉर यू कि आपका इंटीग्रेटेड बिजनेस पेपर पेपर 6 ऑफ न्यू सिलेबस विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, सो विदाउट फेल बस एज यूजुअल वही जो सब लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक लॉ में एग्जेम्पशन ला रहे हैं, ट्राई करो आप भी। अब ये बार इंस्टीट्यूट क्या पता उसमें कुछ गेम खेल दे तो पता नहीं, बट जो भी हो बॉस इलेक्टिव को भी थोड़ा सीरियसली ले लेना। ऐसा फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूं बट यस, बिकॉज दिस एग्जेम्पशन या तो आपका पूरा ग्रुप टू ही निकाल देगा एंड गॉड फॉरबिड अगर नहीं भी निकला तो एटलीस्ट मेरा जो मेन पेपर है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सीए इंटर में भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज है, एफएमई को अगर आप क्लियर कर देते हो देन इन दैट केस एफएमएसएम क्लियर, ईआईएसएसएम क्लियर कर देते तो एफएमएसएम क्लियर, तो भाई मैं क्या बोल रहा हूं, तो आपको एफएमई को और ईआईएसएसएम दोनों देने की जरूरत ही नहीं है, दोनों में से एक दे दो और लाइफ जिंगा लाला। सो यू कैन स्मार्टली प्ले योर गेम। ठीक है, अब इसके ऊपर और अपडेट्स जो भी है मैं आपको लेकर आके दे दूंगा। बट बाकी देखो आप बहुत ज्यादा भी टाइम वेस्ट मत करो ओवर एक्साइटमेंट में कि वाह और क्या क्या है, बाकी ये सब चीज में कुछ और नहीं है। जो मेन था क्रक्स वो आप लोग के सामने यहाँ पे मैंने दे दिया है, प्लीज यूज दिस क्रक्स। इन शॉर्ट, अगर आपका सीए फाइनल ग्रुप टू है, इलेक्टिव में एग्जेम्पशन लाओ और पेपर 6 एग्जेम्प्ट ले लो। इंटर है एफएमई को या ईआईएसएसएम, दोनों में से एक ही दो अब चांसेस है, पब्लिक एफएमई को ही देगा बिकॉज वो इजियर है रिलेटिवली, बट ठीक है, इट्स द कॉल इज अप टू यू। चलो गाइस, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, स्टे सब्सक्राइब फॉर मोर सच थिंग्स एंड नवंबर 23। अब तुम्हारे को ग्रुप टू में क्लियर करवाने के लिए मैंने ऑलरेडी आरटीपी डालना चालू कर दिया एससीएमपी का, कल मैंने एसएफएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाला है। सो यार मैं बोल रहा हूँ ये सब झंझट में पढ़ना ही नहीं है, नवंबर 23 दोनों ग्रुप को क्लियर कर देना है। मिलते हैं बहुत सारे स्वीट्स एंड पॉजिटिविटीज के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, हो जाएगा। बाय बाय।